जैसे हम फ्रेम में फ्रॉक को फिट किए जिया गाइस, तो ये क्या हो कि सही से बैठ नहीं रहा है। एक रोज दो रोज चलने के बाद क्या होता है कि ये फिर लूज हो जाता है। हैंडल फिट करते समय गाइस एक चीज का ध्यान जरूर दें, सिस्टम होता है वो आपका छोड़ दिया, अब हैंडल आसानी से खुल जाएगा। जैसे कि गाइस देख पा रहे हैं हमने जो है गुना रेसर को खोल दिया है, लूज का प्रॉब्लम क्यों आ रहा था वो भी बता रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, मैं राजू जी। सो गाइस इस वीडियो में हम बताने वाले हैं साइकिल का हैंडल रेसर सेट के बारे में। अगर आपका साइकिल का हैंडल में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ गाइस बॉल बैरिंग खराब हो जाता है या फिर लूज का प्रॉब्लम आ रहा है, आप टाइट करवा रहे हैं फिर भी लूज हो जा रहा है, तो इसका रीजन क्या है और ये प्रॉब्लम होता है क्यों और इसका सलूशन क्या आएगा, तो आज मैं आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीका से स्टेप बाय स्टेप इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपका साइकिल का बॉल रेसर सेट अगर खराब हो जाता है, हैंडल का बॉल बैरिंग अगर खराब हो जाता है तो किस तरीके से चेंज करना है, रिपेयर किस तरीके से करना है और ये जो प्रॉब्लम होता है लूज होने का, अपना साइकिल को मैकेनिक के पास ले जाते हैं और टाइट करवाते हैं और फिर एक दो रोज चलाने के बाद जो है लूज का प्रॉब्लम आ जाता है तो आप इससे परेशान हो जाते हैं। तो जैसा कि आप हमारे पीछे ये साइकिल देख पा रहे हैं हीरो MTB बेसिक मॉडल का साइकिल है जी गाइस, इसमें सेम प्रॉब्लम हो रहा है और गाइस ये प्रॉब्लम का सलूशन क्या आएगा तो चलिए आप लोग को बताते हैं, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करने से पहले गाइस अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला वीडियो है। और एक चीज गाइस बताना चाहेंगे, हैंडल रेसर सेट का प्राइस क्या आएगा वो भी बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर हमारे पास हीरो MTB बज मॉडल का साइकिल है जी गाइस, आपके पास किसी भी कैटेगरी का कैसा भी साइकिल हो, आपका साइकिल में इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो उसे फिक्स किस तरीके से करना है चलिए आप लोग को बताते हैं। तो गाइस ये साइकिल में एक ही प्रॉब्लम हो रहा बार बार गाइस, जब हम ये साइकिल को चलाते हैं तो ये हैंडल थोड़ा सा जाम बताता है और जाम बताने के बाद क्या होता है कि ये जो हैंडल थोड़ा सा प्ले बताता है जी गाइस, प्ले बताने के बावजूद क्या होता है कि हम इसे टाइट कर देते हैं, टाइट करने के बाद क्या होता है कि एक रोज दो रोज चलने के बाद क्या होता है कि ये फिर लूज हो जाता है जी गाइस, जैसा कि देख पा रहे अभी भी ये आपका लूज ही है। उसका प्रॉब्लम क्यों आ रहा है चलिए आप लोग को बताते हैं और अंदर का बॉल रेसर सेट खराब है, बॉल बैरिंग खराब है या नहीं है वो भी चीज बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा कंप्लीट देखिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है, अगर आपका साइकिल में इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं घर में ही। 13 नंबर का स्पैनल लेकर के ये जो आप नट देख रहे हैं ये नट को लूज कर लेना है इस तरीके से, हैंडल टाइटर बोल्ट इसे बोलते हैं, तो ये बोल्ट को आपको जो है लूज कर लेना है, तो चलिए हम लूज कर लेते हैं उसके बाद फिर आप लोग को आगे का बताते हैं। सो गाइस ये देखिए हमने टाइटर बोल्ट को लूज कर लिए हैं, लूज करने के बाद आपको क्या करना है इस तरीके से हथौड़ी ले लेना है और इस पर आपको प्रेस करना है इस तरीके से, देखिए ये प्रेस कर दिए तो ये आपको बोल्ट जो है अंदर चला गया और ये आपका जो लॉकिंग सिस्टम होता है वो आपका छोड़ दिया, अब हैंडल आसानी से खुल जाएगा। गाइस इस तरीके से जो व्हील को पकड़ लेना है दोनों पैर से, इस तरीके से हैंडल में रखना है इस तरीके से और इस तरीके से घुमा घुमा के आपको जो ऊपर की ओर खींचना है, तो ये देखिए हमारा बाहर आ चुका है हैंडल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस हमने सामने वाला ब्रेक जो है फ्रंट वाला ब्रेक हम खोल दिए हैं ब्रेक वायर को, इससे क्या होगा कि सुविधा बहुत ज़्यादा होगा जहाँ गाइस अगर आप अपना साइकिल का इस तरीके से हैंडल रिपेयर करना चाहते हैं और देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को और कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है हैंडल निकालने के बाद और ब्रेक को खोल ले फ्रंट ब्रेक को, इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग को सुविधा होने वाला है। चलिए अब ये चेकनट को खोलते हैं फिर आप लोग को आगे बताते हैं। जैसे कि गाइस देख पा रहे हैं हमने जो है गुना रेसर को खोल दिए हैं, फ्रेम से पूरा फ्रॉक को पहले बाहर निकालते हैं फिर आप लोग को आगे बताते हैं। सो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं हमने फ्रेम से फ्रॉक को बाहर निकाल लिए हैं, अब चलिए इसका चूड़ी दिखाते हैं जिसे हम लोग बॉल रेसर सेट बोलते हैं। गाइस तो जैसे कि ये बॉल रेसर आप देख रहे हैं हम साफ नहीं किए हैं, तो अभी हम साफ करते हैं फिर आप लोग को बताते हैं ये बॉल रेसर सही है या फिर खराब हो चुका है, हमें नया बॉल रेसर लगाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा जी गाइस, और लूज का प्रॉब्लम क्यों आ रहा था वो भी बता रहे हैं। सो गाइस अंदर का बॉल रेसर को किस तरीके से निकालना है चलिए बताते हैं, कैसे पत्ती स्पैनल ले लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी इस तरीके से जुगाड़ ले ले और जुगाड़ लेने के बाद आपको क्या करना है इस तरीके से साइड में मारना है इस तरीके से, देखिए हम साइड में फंसा लिए हैं और इस तरीके से हथौड़ी प्रेस कर रहे हैं, देखिए तो हथौड़ी प्रेस करना दोनों साइड से, देखिए तो ये देखिए हमारा जो है रेसर बाहर आ गया है तो खोल के निकाल लिए हैं, अब चलिए इसे बढ़िया से साफ करते हैं फिर आप लोग को आगे बताते हैं। कर दे इस तरीके से कपड़ा लेकर के जहाँ जो भी कचरा वगैरह रहेगा उसे साफ हो जाएगा बढ़िया। सो ये नीचे वाला जो बॉल रेसर आप देख पा रही हैं हमारा सूखा हुआ था, इसमें ऑयलिंग नहीं था, और ऊपर वाला जो हमारा गुना रेसर इसमें देखिए कितना ज़्यादा भारी मात्रा में ऑयलिंग किया हुआ था जहाँ गाइस, तो ये जो ऑयलिंग नहीं होने का वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो आप लोग ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान जरूर दें। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने बॉल रेसर सेट को बढ़िया से साफ कर लिए हैं, साफ करने के बाद गाइस ये चीज़ का हम देखें कि ये बॉल रेसर सेट हमारा ख़राब हो चुका है, हम इसे नया डालने वाले हैं इसमें और इसमें गोली भी लगाने वाले हैं न्यू जहाँ गाइस, तो इसे ख़राब हुआ है या नहीं किस तरीके से देखना तो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं बॉल रेसर को जहाँ गाइस, तो इसमें देखिए आपको थोड़ा गड्ढा टाइप का दिख रहा होगा जहाँ गाइस, तो ये देखिए ये जो गड्ढा टाइप का दिख रहा है
तो इसका मतलब ये ख़राब हो चुका है, ये हल्का गड्ढा टाइप का नहीं रहेगा जी गाइस, जिस जहाँ गोली चलता है वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढा टाइप का हो गया है जी गाइस, घिस जाता है इसके वजह से यह गड्ढा हो जाता है, तो घिसने की वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान देते हुए आप अपना बोल रहे सर सेट को चेक कर लें। हालाँकि ये अभी हमारा कुछ दिन चलेगा, हम बोल डाल करके ग्रीसिंग करके अगर लगा देते हैं तो हमारा कुछ दिन तक चलेगा, लेकिन हम डायरेक्ट इसे चेंज कर रहे हैं गाइस। जैसा कि गाइस ये देखिए हमारा 18 का बोल रेसर है जी गाइस, ये नया वाला गुना रेसर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप पुराना वाला देखिए यहाँ पर हमारा रखा हुआ है, तो दोनों ही देख पाते हैं आप, देखिए हमारा इसमें देखिए आपका 18 लिखा हुआ है जी गाइस। तो ये 18 का बोल रेसर सेट हम लाए हैं, आप चलिए इसे फिट करते हैं और लूज का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है आप लोग को बताते हैं, और इसका प्राइस क्या है गाइस, ये आपको भी साइकिल शॉप में आपको मिल जाएगा। साइकिल शॉप में जाएंगे और बोलेंगे अगर आपका ये सामान खराब हुआ तो ये सामान का नाम है गुना रेसर इसे बोलते हैं, और ये जो तीन गो इसे आपको बोल रेसर सेट बोलते हैं जी गाइस। आप बोलेंगे बोल रेसर सेट हमें दीजिए तो वो आपको मिल जाएगा। बोल रेसर सेट का आपको प्राइस आएगा 30 रुपया जी गाइस, 30 रुपीज का आएगा, और ये गुना रेसर का आपको 20 रुपीज आएगा 20 रुपया का जी गाइस। तो आपको मिल जाएगा कोई भी साइकिल शॉप में। लिए अब इसे फिटिंग करते हैं, फिर आप लोग को आगे का प्रोसेस बताते हैं। सो गाइस बोल रेसर में ग्रीस और गोली बैठा लेते हैं, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। बताना चाहेंगे गाइस अगर आप चक्का गोली ग्रीसिंग करना चाहते हैं, बॉल बैरिंग खराब हो गया आपका व्हील का, अगर आप चेंज करना चाहते हैं खुद से, तो इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये देखिए हमने जो है बोल रेसर में गोली और ग्रीस लगा लिए हैं जी गाइस। तो एक चीज़ का आप लोग को इसमें ध्यान देना है, अगर आप खुद से ही कर रहे हैं तो गाइस ये जो रेसर आप देख रहे हैं इसमें जो हम ग्रीस डाल के गोली बिठाए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस हमने सारे में जो है गोली लगा लिए हैं, बॉल्स बिठा दिए हैं ठीक है गाइस। तो लेकिन इसमें एक जगह देखिए यहाँ पर एक खाली है ठीक है गाइस, बॉल्स जो है आपको खाली रखना है इस तरीका से, दोनों में आपको सेम प्रोसेस करना है, जैसा कि आप देख पा रहे दोनों में हमारा एक एक खाली है। इससे क्या होगा कि रोटेट बहुत बढ़िया से होगा, अगर पूरा भर के लगा देते हैं तो ये आपका ओवर हो जाएगा और सही से हैंडल मूव नहीं होगा, जाम बताएगा। तो ये चीज़ का ध्यान देते हुए आपको फिट करना, चलिए हम फिट करते हैं फिर आप लोग को आगे बताते हैं। फ्रेम में फिट करने से पहले गाइस इसमें क्या करना है आपको, ये जो बॉल रेसर आप जो देख रहे हैं जिसमें हम गोली बैठाए हैं, तो ये आपका जो गोल टाइप वाला है ठीक है गाइस, दो गोल टाइप वाला रहेगा, एक चैप्टा टाइप वाला रहेगा, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं। एक आपको देखिए ये चैप्टा टाइप वाला रहेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैठा लेना। तो देखिए हम बॉल के साथ में इसको बैठा लिए हैं, अब इसे क्या करना है इस तरीके से अंदर की ओर प्रेस करना है, और यहाँ पर जो घाट होता है देखिए घाट है, तो ये घाट में बढ़िया से बैठा लेना। तो बैठाना है किस तरीके से, इस तरीके से आपको जो बॉल रेसर को पकड़ना है ठीक है गाइस, पकड़ने के बाद इस तरीके से स्पैनर ले लेना है, कोई भी जुगाड़ आपको ले लेना जो आपको मिलता है, और इस तरीके से हल्का हल्का ठोकना है एक साइड में, फिर इधर में आपको उल्टा साइड में ठोकना है, फिर इस तरीके से ठोकना है, और इस तरीके से फिर ठोकना है आपको। तो ये देखिए हमारा बढ़िया से जो है बैठ गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा बैठ गया है, इस तरीके से आपको बैठा लेना आराम से। अब चलिए इसे फ्रेम में फिट करते हैं फिर आप लोग को आगे बताते हैं। सो गाइस एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे हम फ्रेम में फ्रॉक को फिट किए जी गाइस, तो ये क्या हो कि सही से बैठ नहीं रहा है, जो बॉल रेसर है ये जो आप फ्रेम कॉलर देख रहे हैं जी गाइस, इस चीज़ का नाम है फ्रेम कॉलर इसे बोलते हैं, तो इसे आप जो है इस तरीके से ठोकेंगे तो आपको आराम से निकल जाएगा जी गाइस। तो ये चीज़ जो है ख़राब हो चुका है जी गाइस, इसका भी सेम प्रोसेस होता है गाइस, अंदर में जो है बहुत ज़्यादा इसका गैपिंग हो गया है, घिसते घिसते क्या होगा कि अंदर में टच होता है तो ये खराब हो गया, लूज में चलने के कारण से ये चीज़ हुआ गाइस। तो ये हमें जो है फ्रेम कॉलर भी चेंज करना पड़ेगा गाइस, तो चलिए हम निकाल लेते हैं, फ्रेम कॉलर किस तरीके से चेंज करना है वो भी बता रहे हैं आप लोग को, प्रेस करते हैं। तो गाइस तो ये देखिए हमारा दोनों फ्रेम कॉलर जो है पुराना वाला निकल गया जहाँ गाइस, और नया वाला फ्रेम कॉलर ये रहा हमारा गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपका ख़राब हुआ तो ये आप ले आएँ, तो ये दोनों फ्रेम कॉलर का आपको 30 रुपये पड़ेगा गाइस, 30 रुपीज़ का आएगा ये दोनों फ्रेम कॉलर, साइकिल शॉप में आपको मिल जाएगा सारा पार्ट्स, इसका पूरा सेट बोलेंगे पूरा सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसे फिट किस तरीके से करना है बता रहे हैं। इसमें देखिए गाइस फ्रेम कॉलर दो तरह का है, एक फ्रेम कॉलर का लेंथ जो आप देख रहे हैं ये आपका कम है, और एक फ्रेम कॉलर का लेंथ आप देख रहे हैं ज़्यादा है जी गाइस। तो जो ज़्यादा लेंथ वाला फ्रेम कॉलर है जो कटोरी है, तो ये आपका नीचे जाएगा इस तरीका से, कटोरी का लेंथ कम है वो आपका ऊपर जाएगा इस तरीका से, इस तरीका से दोनों फिट होगा। तो चलिए हम सबसे पहले ऊपर वाला फिट कर लेते हैं कम लेंथ वाला ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग को आगे बताते हैं। इस तरीके से फ्रेम कॉलर को रखना है, और रखने के बाद जो कोई भी जुगाड़ वगैरह ले ले इस तरीके से, देखिए मेरा पास पत्ती स्पैनल है तो हम इससे इस तरीके से प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर नीचे वाला ले लेना है इस तरीके से, नीचे वाला हल्का सा इस तरीके से फंसा करके, और इसको भी इस तरीके से ठोकना है, तो ये आसानी से आपका बैठ जाएगा। अगर नहीं बैठता है तो सेम प्रोसेस करेगा गाइस, इस तरीके से रखना है और इस तरीके से हथौड़ी का प्रेस करना है ठीक है गाइस, तो ये आपको आसानी से बैठ जाएगा। तो ये हमारे बता दिए हैं, अब चलिए फ्रॉक को इसमें फिट करते हैं फिर आप लोग को आगे बताते हैं। सो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं हम फ्रेम में फ्रॉक को फिट कर लिए हैं, फ्रॉक को फिट करने के बाद एक चीज़ के इसमें हम गौर किए हैं गाइस, ये जो बार बार लूज का जो प्ले का प्रॉब्लम आता है गाइस टाइट करने के बावजूद भी, तो ये किस कारण से किस वजह से आता है गाइस, तो जैसा कि आप थ्रेड देख पा रहे हैं क्या हुआ कि गुना इसका जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है गाइस, गुना इसका जो है ज़्यादा दिन हो जाने के बाद और लूज में चलने के कारण से इसका गुना जो है ख़राब हो चुका है
जी गाइस, इसके वजह से ये क्या लूज होने का बार बार प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपका साइकिल का फ्रॉक का अगर थ्रेड खराब हो जाता है तो इसे किस तरीके से करना है, तो चलिए हम सबसे पहले ऊपर वाला लगा लेते हैं बॉल रेसर और गुना रेसर को हम टाइट कर देते हैं। सो गाइस, जैसे कि देख पा रहे हैं हम गुना रेसर को टाइट कर दिए हैं। जैसे कि गाइस इसमें देखिए चकनट लगा हुआ था। जी गाइस, ये आपका फुल गुना का चकनट है, तो चकनट हमारा सही है, चकनट में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जी गाइस, लेकिन इसका थ्रेड मार खाने की वजह से जो है हम ये चकनट नहीं लगाएंगे, जगह में हम गुना रेसर लगाएंगे। गाइस देखिए, ये पुराना वाला गुना रेसर है जैसा कि आप देख पा रहे, तो इसी को हम टाइट करेंगे ताकि कुछ दिन तक चलेगा। उसके बाद क्या होगा गाइस कि ये फ्रॉक जो है हमें चेंज करना पड़ेगा। जब तक चलता है चलाएंगे, उसके बाद अगर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो ये फ्रॉक हमें चेंज करना पड़ेगा। जी गाइस, इसका जो फ्रॉक का जो ये थ्रेड है गाइस, ये थ्रेड फ्रेश नहीं होता है, दूसरा चेंज नहीं होता, ये डायरेक्ट जब भी होता है ये आपका फ्रॉक पूरा चेंज होता है। जी हाँ गाइस, चलिए इसे हम टाइट कर लेते हैं। अगर आपका साइकिल में इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो इस तरीके का जो है आप डबल गुना रेसर लगा लें। जी गाइस, तो जो प्ले का जो ढक का प्रॉब्लम है वो आपका ठीक हो जाएगा और आसानी से आप कुछ दिन तक आराम से चला सकते हैं। जी गाइस, जब तक चलता है आप आसानी से चला सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए इसे हम पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। कर देना पहले नीचे वाला बढ़िया से करना, उसके बाद फिर ऊपर वाला आपको बढ़िया से टाइट कर देना। तो देखिए हम टाइट कर दिए हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप हैंडल इसमें फिट करते हैं। हैंडल फिट करते समय गाइस एक चीज़ का ध्यान जरूर दें, फ्रॉक का जो हेड पाइप है इसमें आप जब हैंडल को डालते हैं तो डालने से पहले आपको क्या करना है, ग्रीस ले लेना है और ग्रीस बढ़िया से हॉल में आपको प्रेस कर देना है इस तरीके से। जी हाँ गाइस, ग्रीस अगर आप सही से लगा देते हैं तो ये क्या होगा कि फ्यूचर में अगर कभी आपका हैंडल अगर लॉन्ग टाइम तक अगर नहीं खुलेगा तो अंदर में रस्ट नहीं लगेगा और हैंडल आपका जाम नहीं होगा, आसानी से खुल जाएगा। जी हाँ गाइस, तो हैंडल फिट करते समय ग्रीस जरूर लगा दें। तो चलिए अब हम हैंडल को फिट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, हैंडल हमने फिट कर दिए हैं और हैंडल जितना आपका हैंडल ऊंचाई रखना है उस हिसाब से आप अपना नाप ले। जी हैंडल टी आप जो देख रहे हैं गाइस, हैंडल टी को इतना अंदर आपको जरूर करेंगे, इससे ज़्यादा ऊपर आपको नहीं रखना, इससे ज़्यादा बाहर हैंडल को नहीं रखना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जी गाइस, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देते हुए इतना हैंडल को कर लेना, उससे ज़्यादा अगर आप कर लेते अपना हाइट के अकॉर्डिंग में मिला लें। उसके बाद आपको क्या करना, ये जो बोल्ट हमने लूज किए थे बोल्ट को टाइट कर देना है। तो चलिए हम टाइट करते हैं, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। सो गाइस, 13 नंबर का स्पैनर ले लेना है और हाथ से जितना होता उतना पहले टाइट कर ले। ठीक है गाइस, हाथ से जितना उतना टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, 13 नंबर स्पैनल से इस तरीके से टाइट कर देना है। चलिए हम टाइट करते हैं, फिर बताते हैं आप लोग। सो गाइस, हमने हैंडल को बढ़िया से टाइट कर दिए, कंप्लीट कर दिए। जी गाइस, तो इस तरीके से कर लेना है, हैंडल आपको लूज नहीं रखना, एकदम प्रॉपरली टाइट देख लेना है। और हैंडल को आपको जो टाइट करने से पहले मिडिल पे देख लेना, एकदम मिडिल पे है कि नहीं हैंडल हमारा, देखिए एकदम मिडिल पे है, तभी हम टाइट किए। तो इस तरीके से आपको मिडिल पे देख करके और बढ़िया से टाइट कर लेना है। और गाइस एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि लुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, साइकिल देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है, तो आप पूरा फ्रॉक को चेंज कर ले, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जी गाइस, लेकिन ये जितना दिन तक हमारा चलता है हम चलाएंगे, अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप आसानी से इस तरीके से करके आप आसानी से चला सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो गाइस, मैं आशा करता हूं आप लोग को सही से बता दिया हूं कि हैंडल का रेसर सेट किस तरीके से चेंज करना, बॉल बैरिंग किस तरीके से चेंज करना, खराब हुआ है या नहीं हुआ है। अगर चैनल में नया आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला वीडियो है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।